अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड आप भूल चुके हो, आपको बिल्कुल ही याद नहीं है जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम आपने एक पासवर्ड एंटर कर दिया था, अभी आपको बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता कैसे करोगे। अपने जो पासवर्ड रखा था पासवर्ड क्या था वो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो तो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लॉगिन करोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का ओल्ड पासवर्ड क्या था, उसको कैसे आप देखोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पे जाना है, ऊपर आपको थ्री लाइन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अकाउंट सेंटर। ठीक है, जो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना मेरे भाई। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ अकाउंट सेंटर के ऊपर। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सेव लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देखो सेव लॉगिन का। ठीक है, और ये बहुत सारा लोगों का यहाँ पर ऑन रहता है, बहुत सारा लोगों का ऑफ रहता है। अगर आपके केस में ऑफ है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। अगर ऑन है, एक बार ऑफ करने के बाद आपको एक बार ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद होगा क्या, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा। तो जब भी आपका इंस्टाग्राम ऐप को लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक भाई लोग आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, बार बार आपको पासवर्ड एंटर करने का जरूरत नहीं है। एंड आपका जो पासवर्ड है वो भी सेव हो जाएगा। इधर से मैं बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मैं हैंडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखो भाई लोग करेंट पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, एंड न्यू पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, देन आपको रीटाइप पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपका जो ओल्ड पासवर्ड है, जो करेंट पासवर्ड है, वो पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको याद नहीं है कौन सा पासवर्ड था, आपको पता नहीं है, तो क्या करना है, इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। ठीक है, आपका मोबाइल का जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, स्लाइड करना है। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारा साइट का नेम आ रहा है और इसके अंदर आपको इंस्टाग्राम देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपके जीमेल अकाउंट पर इंस्टाग्राम शो नहीं कर रहे तो क्या करना है, ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और आपके मोबाइल पर जितनी भी जीमेल है, अगर आपके पास दो जीमेल है, तीन जीमेल है, चार जीमेल है, तो एक ना एक जीमेल अकाउंट पर आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड जरूर सेव होगा। ठीक है, तो मेरा इस अकाउंट पर सेव है। आप यहाँ पर देखो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकती हो मेरा इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो देखने को मिल रहा है, एंड पासवर्ड भी नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकती हो, मगर पासवर्ड डॉट डॉट नज़र आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक आइकन देखने को मिलेगा, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। तो इस पासवर्ड को लेकर क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, एंड आपको जो करेंट पासवर्ड है उसको एंटर करना है, देन आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आप नया पासवर्ड देना चाहते हैं। उसके बाद रीटाइप न्यू पासवर्ड, मतलब न्यू पासवर्ड, पासवर्ड को दोबारा आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा चेंज पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड सेव नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरगेटन योर पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जो भी आपने ईमेल एड्रेस ऐड किया आपके इंस्टाग्राम पर, उस ईमेल एड्रेस पर एक मेल चला जाएगा, तो उधर से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ फॉरगेटन योर पासवर्ड। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेल जा चुका है, तो मैं यहाँ पर जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल को ओपन करने के बाद एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास मेल आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है, एंड यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं उस पासवर्ड को उठाकर आपको इधर भी एंटर करना पड़ेगा। देन आपको रीसेट पासवर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करना, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा एंड दोबारा आप लॉग इन कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद सबसे पहले लॉगआउट कर देता हूँ अकाउंट को, तो मैं लॉगआउट कर देता हूँ। लॉगआउट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आपको लॉग इन करना है। तो मैं लॉगआउट कर दिया इधर से।
लॉगआउट करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा अकाउंट फिर से लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं, लॉगिन यहाँ पर सेव है। अगर मैं लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इंस्टेंट मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, मेरे को पासवर्ड एंटर करने का जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही पासवर्ड को सेव किया था, ठीक है ना। तो अगर आप सेव करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन टू अनदर अकाउंट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो क्या करना है, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फॉरगेटन पासवर्ड। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई भी एक चीज एंटर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम एंटर कर दिया, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी एंटर कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो कन्फर्म भाया फोन कॉल, आप फोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, आप जीमेल से भी कर सकते हो, एसएमएस से भी कर सकते हो। तो मैं एसएमएस सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे मोबाइल पर एक कोड आएगा, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ एंड ये देखो कोड आ चुका है। मैं अलाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अलाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर देखो न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है, देन कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड इजीली भाई लोग आपका अकाउंट को दोबारा आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी मैं पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहता हूं, तो आप इजीली इधर से पासवर्ड को चेंज कर सकते हो एंड दोबारा आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, जरूर से एक लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रहा है नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।